खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा देबर चलाए जाते राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी। लौकी के अरका बहार किस्म और गुलाब के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरी थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में खेती के महत्वपूर्ण योगदान है। धान गेहूं और दलहन के खेती ला बढ़ावा दिए बर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन चालू करे हवा है, जेकर शुरुआत में राज्य के 10 जिला ला शामिल करे गए है। ये योजना में किसान मन ला धान गेहूं और दाल के प्रमाणित बीज उत्पादन और वितरण, समेकित पोषण तत्व और प्रबंधन, कीट प्रबंधन, स्प्रिंकलर सीट के वितरण और एकर अलावा श्रेष्ठ उत्पादन वाला जिला ला पुरस्कार देना शामिल है। किसान मन ला ये योजना ले कृषि क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलही और धान गेहूं और दलहन के फसल ला बढ़ावा मिलही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ले जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होते। ये रोग पाश्चुरेला जीवाणु के रहे ले होते, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहते। गर्मी में अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाते और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाते। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु पशु ला बीमार कर देते। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाते, तेज बुखार और रोवा खड़ा हो जाते। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाते। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाते। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़ते। प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। अब खेती संबंधी खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा दे बर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1,10,00,000 के प्रावधान हावय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इस ट्रेपी नामक उपकरण सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण आवय। ये उपकरण में 3 चरखा लगे रहते और 1 मोटर रहते। ये उपकरण में एक बार में 3 पाइप द्वारा सिंचाई और दवाई के छिड़काव कर सकते। इस ट्रेपी पद्धति के उपकरण में एक तरफ के पाइप ला कुआं या ड्रम जेमा उचित मात्रा में दवाई के घोल है ओमा डाल देते और दूसर तरफ के पाइप के माध्यम ले खेत में पौधा तक पहुंचा दिए जाते। एकर बाजार में कीमत 50,000 से 60,000 रुपये तक के है। तो ये उपकरण के सहायता ले कम समय में और कम आदमी के सहायता ले अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गी सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म अरका बहार की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक एक फल लगभग 500 से 700 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन लौकी के अरका बहार किस्म ला अपना के बने मुनाफा कमा सकते। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। गुलाब ला फूल के राजा कहे जाते। एकर उपयोग कई प्रकार के दवा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के काम में होते। एकर खेती कर रही रायपुर के भारत सोनकर बताते कि ए साल ओहर गुलाब के उत्पादन ला व्यवसायिक रूप में पहली बार करत हवे। एकर फूल ला फूल मंडी में बेच के मुनाफा पाए के आशा करत हवे। ओकर कहना है कि एकर खेती में उन्नत तकनीक ला अपनाए जाते और माटी, पानी, उर्वरक और दवा के व्यवस्था ले ओला एकर खेती में ओला लगभग 10,000 रुपये के खर्चा आया हवे। ओला अनुमान है कि ओकर ए गुलाब के खेती ले ओला लगभग 40,000 रुपये के मुनाफा हो जाही। ओकर ए सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेते। आओ अब जानथन मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में मौसम ठंडा रही, हल्का हवा दिन भर चलत रही और रात में मौसम शांत और शुष्क रहे के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलवो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव, आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति क्विंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति क्विंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति मा धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी मा शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति क्विंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति मा धान संभा मासूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति मा धान स्वर्णा मासूरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान संभा मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति मा धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मासूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ए लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1855 पर संपर्क करें।
किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला पपीता के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। पपीता के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। पपीते की सफल खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कृषि के जानकारों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को पपीता उगाने की राय दी जाती है, क्योंकि यहाँ का तापमान पपीते के मुताबिक ही है। पपीते की उन्नत खेती के लिए बीज चयन में सतर्कता और सावधानी भी आवश्यक होता है। पपीते की उन्नत किस्म ही इसकी व्यावसायिक खेती का मुख्य आधार है, इसलिए उम्दा किस्मों के बीज खरीद कर उसकी पौध तैयार कर खेती करना ही लाभप्रद होता है। कृषि वैज्ञानिक पपीते की अच्छी पैदावार के लिए और अधिक उत्पादन के लिए भूमि के मान से बलुई दोमट भूमि की सिफारिश करते हैं। अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर यह माना जा सकता है कि संकर किस्में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से उन्नत किस्मों से उत्तम होता है, और इस बात की पूरी संभावना होती है कि संकर बीजों से उत्पन्न सभी पौधे मादा या उभयलिंगी होते हैं। इसलिए संकर किस्मों का रोपण ही किसानों के लिए हर तरह से फायदे का सौदा होता है। पपीते के लिए प्रक्षेत्र की तैयारी के समय ही मादा निर्माण कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद मादा का निर्माण किया जाना चाहिए। पपीता उत्पादक किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय होती है कि पपीते की सफल खेती के लिए प्रक्षेत्र की मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 45 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो, ताकि वायु के संचार में कोई बाधा न हो। फसल पूर्व खेत की तैयारी के ही अंतर्गत प्रक्षेत्र को आड़ी और खड़ी 2 से 3 बार जुताई कर पाटा चला देना चाहिए। खेत को खरपतवार से खाली कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी के तहत ही पपीते का रोपण पौध से पौध 2 मीटर और कतार से कतार 2 मीटर हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान सघन रोपाई तकनीक में पौधे से पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की दूरी 1.8 मीटर रखी जाती है। किसान भाई हो, पपीता के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है, तो सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। सिंचाई की पद्धति ड्रिप या टपक पद्धति ही सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ड्रिप सिंचाई की सहायता से लगभग 20-40% उत्पादन में वृद्धि होती है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले फल के प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पपीते की जड़ और पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि जल निकास की व्यवस्था उत्तम ही रखनी चाहिए। पपीते की खेती में सिंचाई के लिए टपक पद्धति को उपयुक्त इसलिए भी माना जा सकता है कि इसमें सिंचाई के पानी को तने से दूर रहना चाहिए और रिस कर जड़ों तक पहुंचना चाहिए। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु में पपीते की फसल को औसतन 550 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि टपक पद्धति ही अपनाई जा रही हो तो सिंचाई शरद ऋतु में सप्ताह में 2 बार और ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन या 1 दिन के अंतराल में देना चाहिए। पपीते के लिए ड्रिप पद्धति से सिंचाई एक और कारण से बेहतर मानी जा सकती है, वो ये कि इस विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में घुलनशील उर्वरकों को भी
सिंचाई के साथ ही साथ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही पपीते की उन्नत खेती में मांदा निर्माण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। मांदा कई तरह से काम करता है। ये जल निकासी को आसान बनाता है, उर्वरकों की अपव्ययता को रोकता है, पौध परीक्षण में सहायता प्रदान करता है। किसान भाई हो, पपीता के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। पपीते के रोपण के लिए तैयार उचित माप के गड्ढों की मिट्टी को 15 से 20 दिनों के लिए खुली हवा में और धूप में रखने के बाद गोबर की खाद 10 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 200 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 75 ग्राम और एंडोसल्फान 50 ग्राम मिलाकर भर देना चाहिए। उचित तरीके से पपीते का रोपण हो जाने के पश्चात 5 से 6 महीने के अंतराल में फल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक पत्ती की कक्षा में फूल निकलते हैं। पपीते में पौधे की बढ़वार और फल आने का काम लगभग साथ साथ ही चलता रहता है, इसलिए इसमें उर्वरक कई मर्तबे डालने की जरूरत पड़ती है। सिफारिश मात्रा में उर्वरक पौधे के चारों ओर तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि उर्वरकों को ड्रिप पद्धति से सिंचाई के माध्यम से देना हो तो ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो जल में घुलनशील हों। कुछ कीट हैं जिनसे अपने पपीते की फसल को वैज्ञानिक विधि द्वारा बचाए रखना चाहिए, जैसे लाल मकड़ी और माहू नामक कीट। पपीते की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार से हैं। आद्र गलन, ये एक फफूंदी के द्वारा होने वाला गंभीर रोग है। इस रोग में पौधे का तना प्रारंभिक अवस्था में गल जाता है। इस रोग से बचाव के लिए बीज का भली भांति उपचारित होना जरूरी होता है। मोज़ेक, पपीते का वायरस से होने वाला एक रोग होता है। इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय तो ये होता है कि प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। माया हो गए वो मोला आवे यारिंग बजा, माया हो गए गा मोला याहूं वारिंग बजा, माया हो गए गा मोला याहूं वारिंग बजा। जरद रचने बोड़ा बैहा बोड़ा बैहार घुमाता बेखारे खा, घुमाता बेखारे खा। माया होगी गा मोला याहूं वारिंग बजा, माया होगी गा मोला याहूं वारिंग बजा। जरद रचने बोड़ा बैहार बोड़ा बैहार घुमाता बेखारे खा, घुमाता बेखारे खा। माया होगी गा मोला याहूं वारिंग बजा, माया होगी गा मोला याहूं वारिंग बजा। Oh, 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 oh,
पैरी तोर बरली हूँ औली होना के नथली पाँव के पैरी तोर बरली हूँ औली होना के नथली कान में झुमका कन्हा पर कर धन हाथ मली हूँ ककली कान में झुमका कन्हा पर कर धन हाथ मिली हूँ ककली चरण रतली बोड़ा बहिया जरौद रतनी बोड़ा बहार घुमता बेखा रेखा घुमता बेखा रेखा माया हो गे गा मोलाया हूँ मारी मजा माया हो गे गा मोलाया हूँ मारी मजा रचनी बोड़ा बहार जरौद रचनी बोड़ा बहार घुमता बेखा रेखा घुमता बेखा रेखा आबे ना होगी गा मोलाया हूँ मारी मजा माया होगी गा मोलाया हूँ मारी मजा माया होगी किसान भाई हो अब जाए के बेरा होगी अब अंक मा फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदौ विदा जय जोहार।